एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, मेरे इसमें फूल आ गए हैं बेल में। और मैं यहाँ पे दोपहर में रोटी बना रही हूँ बाजरी की। बहुत दिनों से इच्छा थी, बाजरी भी रखी हुई थी, तो आटा मेकर लगा था, तो मैंने कहा लाओ पीस लेते हैं। आटा पिस जाएगा ना तो रोटियाँ भी बनती जाएंगी एक दो, जब इच्छा होगी, नहीं तो फिर सोचते ही रहते हैं। तो मेरी रोटी बन गई है, आप लोग बताना कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती है, पर बस मन होता है तो अपने बना के खा सकते हैं, इतनी आती है। तो अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा लाओ खा लेते हैं एक दो रोटी। और वैसे भी गेहूं की रोटी से ये रोटी बहुत फ़ायदेमंद होती है, पर वो क्या बनाने का आलस और ये सब में लोग खाते नहीं हैं। नहीं तो ये रोटियां बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। मम्मी को डायबिटीज़ है और मुझे थायराइड है, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैंने सोचा चलो एक एक बना के खाते हैं। ये दूसरी रोटी है, अब मैं मिट्टी के तवे पे जब बनाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है। और मैं घर पे ही चिल्ला रही थी, वो बच्चा आया है, माधव बाजू में रहता है, उसकी बहन भी है, तो उसके साथ ही मस्ती कर रहा था, भाग दौड़ रहा। वो भागना स्टार्ट कर देता है, वो आगे आगे, ये पीछे पीछे। और मम्मी खाना खाने ही बैठी है, उनको ये देखो मिली आई है उसको भाई को लेके। तो और आज ये लोग आने वाले हैं घर पे, क्यों आने वाले हैं वो आपको पता चलेगा। तो ये मेरी रोटी बन गई है, एक मम्मी खाएंगी और एक मैं। और यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी, मैं भिंडी काट रही थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और पत्ता गोभी बनाई थी, दो सब्ज़ियाँ बनाई थी। और खीर भी बनी बन गई है, खीर बना के मैंने फ्रिज में भी रख दी है ठंडी होने के लिए। और आज मैंने लड़कियों को बुलाया खाने पे, ये लोग व्रत करती है, यहाँ पे जया पार्वती और गौरव करके ऐसे व्रत होते हैं, गौरव गौरा माँ के समझ लो। तो इसके लिए उनके लिए खाना बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, और जो व्रत वाला नमक होता है ना वही डाल के मैंने बनाया, बहुत सादा सिंपल सा। अभी मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी छौंकूंगी, पत्ता गोभी और टमाटर मटर, और ये राई डाल दी है, हरी मिर्च और टमाटर से ही छौंका था, ये देखिए। और फिर वो लड़कियाँ आके खाना वाना खाने के बाद भी बहुत मस्ती वस्ती की। ये वीडियो भी बड़ा हो गया है तो ये दो पार्ट में जाएगा, आज थोड़ा दिखेगा थोड़ा कल भी दिखेगा, तो आप लोग दोनों पार्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये व्रत के बारे में भी सब कुछ पता चलेगा। मेरी सब्ज़ी बननी स्टार्ट हो गई है, आटा भी मैंने, खीर भी बन गई है, आटा भी लग गया है, बस सब्ज़ियाँ ही छौंकूँगी। पहले दोनों काट ली, अब मैं इनको दोनों इकट्ठी छौंक दूँगी बस। फिर पूरियाँ जैसे ही 8 बजे तक खाना हो गया था, ये लोग आ गए थे 8:15 तक। और ये देखो मैंने, ये पक रही है, ये फ्रीज उसमें फ्रीज़र में रखती हूँ ना मटर, तो देखो कैसे रखे हैं। और ये भिंडी कटी रखी है, ये कटोरे में बाजरी का आटा जो डिब्बे में भरा था ना उसका बच गया था तो मैंने इसमें रख लिया। अब जब तक ये ख़त्म, ये इसको ही पहले ख़त्म करेंगे फिर वो वाला, तब मैं इसमें पत्ता गोभी डाल के मिला लूँगी। पत्ता गोभी की वजह से है ना कुकर बहुत भरा भरा सा हो गया था। और ये वाली सब्ज़ी आप कुकर में बनाओ ना बहुत अच्छी बनती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। आप अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। कढ़ाई में बनाते हैं ना तो खड़ी खड़ी सी रहती है, टाइट टाइट सी रहती है, कितना भी पका लो। और इसमें बनाते हैं ना इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो ये कुकर में जब से मम्मी ही बनाती थी, खैर उनका ही देख देख के बहुत कुछ सीखा है, तो अब मुझे कढ़ाई वाली सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती। मुझे क्या, किसी को नहीं आती है, कुकर में बहुत मस्त बनती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और बस खाली प्याज टमाटर, प्याज तो डाला ही नहीं था, टमाटर और हरी मिर्च, और बस ऐसे ही छौंकी। और ये भिंडी भी खाली अजवाइन और हरी मिर्च से, इसमें भी कुछ भी नहीं डाला था, प्याज व्याज कुछ नहीं, बस यही सिंपल सादा भोजन था। ये राई डाल दी, राई बोल रही हूँ आज, अजवाइन और हरी मिर्च। तो बस मेरी सब्जियाँ दोनों तैयार हो जाएंगी, फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी, गर्मी सी लगती है ना, फिर छत से आने के बाद आरती की, आरती के बाद पूरियाँ सेकी, और फिर लड़कियों को बुला लिया था। मेरा खाना पीना सब तैयार हो गया था, अच्छा भी लगा था, किसी ने भिंडी से खाया, किसी ने आलू से खाया, बच्चों को क्या पसंद होता पता नहीं चलता ना। भिंडी भी हमारे यहाँ कम लोगों को हमारे यहाँ कम पसंद करते हैं ना, तो इसके लिए मुझे बड़ा वो लगता है कि पता नहीं कौन करेगा कि नहीं करेगा। ये वो व्रत वाला नमक है, फरारी नमक, वही डाल के बनाया है खाना आज।
पहले उनसे पूछ लिया था कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्योंकि व्रत है भाई, हमारी एक गलती से उनका व्रत बिगड़ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सब कुछ पूछ पाछ के फिर मैंने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम के बज रहे हैं अभी 6:30, 7:45 होने वाले हैं, और मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ है, और कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, बस ऐसे ही सोचा बहुत कुछ था। जब हम ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाता। मैंने ना रोज़ वाला ये रूटीन वाला ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, और कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने कहा अब चलो एक दिन की छुट्टी, फिर आज स्टार्ट किया है। आज कुछ स्पेशल है, कोई आने वाला है, वो आपको पता चलेगा अभी वीडियो में, तो देखते रहना। यहाँ गुजरात में कुछ खास होता है, यहाँ तो मतलब होता ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो उसी से रिलेटेड है, तो आप लोग देखिए। और जो मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल मतलब मेरे वीडियो को जो देखते हैं, और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहे हैं, और बस एक दो वीडियो मेरे बहुत अच्छे पसंद किए जा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है, और आपको जो न्यू वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी बताएं। तो बस अभी मैं खाना बना रही थी, मेरा काफ़ी खाना बन गया है, मतलब सब कुछ बन गया है, सब्जी, खीर, दो सब्जी बनाई, खीर बनाई, आटा भी लगा दिया है। अब सोच रही कि थोड़ा छत पे घूम के आऊँ, पूरा दिन घर में हो जाता है ना, तो थोड़ा सा लगता है शाम के टाइम घर छत पे जाके आऊँ, फिर तब तक आरती का टाइम हो जाएगा, और फिर मिलवाती हूँ मैं मेरे यहाँ पे जो आने वाले हैं, आने वाली हैं, आने वाले नहीं। तो बस देखिए यहाँ का कल्चर, अब धीमे धीमे सब कुछ आपको दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या होता है, तो चलो फिर छत पे चलते हैं। ये थाली लगा दी है बच्चियों के लिए, इधर शूट कर रहा है, और यहाँ पे देखो बच्चियाँ खा, लड़कियाँ खा रही हैं खाना, मतलब ये मिली, गुन्नू और ये प्रिया, ये दोनों बहनें हैं जो साड़ी पहनी है, और ये उनके फ्रेंड है, और हमारे यहाँ बिल्कुल पास में ही रहती है। हेलो एवरीवन, और रात के 10:15 हो रहे हैं, मेरा खाना पीना सब निबट गया है, और जो खाने आई थी लड़कियाँ वो भी चली गई। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, दो पार्ट में बनेगा, आधा कल जाएगा और उसके बाद जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जो भी व्रत किए उसके बारे में डिटेल शेयर की है, तो वो आप लोग ज़रूर सुनना, और वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, तो बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।